हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड, स्टडिंग वेल. सो वेलकम टू टुडेज सेशन. इट्स अ शॉर्ट क्विज ऑन द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम आइलैंड बायोजियोग्राफी. द अर्लियर वीडियो वॉज अबाउट द टॉपिक. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी केयरफुली. So four statements are given. Statement number A, immigration rate starts high and then saturates. Extinction rate starts low and then rises equilibrium. ये B statement कहती है. C statement कहती है, immigration rate starts low and then rises equilibrium. And fourth statement D कहती है, extinction rate starts high and then saturates. अब अगर आपको याद है, ये जब हमने पढ़ा था इस थ्योरी को, तो क्या देखा था? एक एक्सिस पर एक्सटिंक्शन चलता है, ये वाई एक्सिस पर इधर इमिग्रेशन है, ये है नियर, ये है फार. इसी तरह दूसरी वाई एक्सिस पर आपका एक्सटिंक्शन चलता है. ये है स्मॉल और ये है लार्ज. तो ये स्पीशीज कंपोजिशन है आपके. ये इधर इमिग्रेशन है जिसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ये है एक्सटिंक्शन, ये है स्पीशीज कंपोजिशन. तो ये पहली स्टेटमेंट देखिए, इमिग्रेशन रेट स्टार्ट्स हाई एंड देन सैचुरेट्स, ये तो सही है. ये तो हमेशा स्टार्ट हाई हो रहा है इमिग्रेशन रेट, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है. देन एक्सटिंक्शन रेट स्टार्ट स्लो एंड देन राइजिंग, एक्सटिंक्शन रेट स्लो होके फिर ऊपर बढ़ रहा है, ये भी सही है. तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, क्योंकि एक्सटिंक्शन रेट स्लो स्टार्ट होता है. फिर इमिग्रेशन रेट स्टार्ट स्लो, फॉल्स. इमिग्रेशन रेट तो हमेशा ही ज़्यादा होगा जब स्पीशीज कंपोजिशन कम है, नंबर ऑफ स्पीशीज कम है किसी आइलैंड पर, बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, निशेज अवेलेबल हैं, तो इमिग्रेशन रेट हमेशा ज़्यादा होगा, स्टार्ट स्लो नहीं हो सकता. एंड द लास्ट स्टेटमेंट डी, एक्सटिंक्शन रेट स्टार्ट्स हाई एंड देन सैचुरेट्स. एक्सटिंक्शन रेट कैसे हाई हो सकता है जब स्पीशीज हैं ही नहीं, बहुत कम है, तो एक्सटिंक्ट क्यों होंगे? कोई कंपटीशन तो है नहीं वहाँ पर, कोई प्रेशर है नहीं, तो एक्सटिंक्शन रेट नेवर स्टार्ट्स हाई इन नेचर. तो इस आधार पर अब आप अपने ऑप्शंस देखिए, ए एंड बी. फर्स्ट ऑप्शन, यस, सो दिस इज द आंसर. सो द आंसर इज ए एंड बी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ग्राफ आई हैड डिस्कस्ड व्हाइल टीचिंग दिस टॉपिक अर्लियर. सो लुक एट द अबव ग्राफ केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ए बी सी डी. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन सी एस आई आर एग्जाम ऑल्सो अर्लियर. तो रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड नंबर ऑफ स्पीशीज, ए बी सी डी. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये क्या है, एक्सटिंक्शन नहीं है, ये इमिग्रेशन है, इस तरफ एक्सटिंक्शन है, यहाँ तो दिया ही हुआ है. अब आप देखिए, लुक एट द ग्राफ केयरफुली, ए फार, बी नियर. तो फार पे इमिग्रेशन ज़्यादा होगा और नियर पे कम होगा, तो ये तो गलत है. फार पे कैसे ज़्यादा होगा? तो ये तो गलत है, क्योंकि हम अगर इसको देखें ए और बी को, इसके आधार पर ही हम निकाल सकते हैं कि ये गलत है. नेक्स्ट आ जाइए, इमिग्रेशन
ए नियर है, ठीक है, बी फार है, नियर पे इमिग्रेशन ज्यादा होगा, नियर पे इमिग्रेशन ज्यादा है, बी फार, ठीक है, फिर सी स्मॉल और डी लार्ज। सी स्मॉल, एक्सटिंक्शन रेट देखिए स्मॉल पे ज्यादा होगा या लार्ज पे ज्यादा होगा, तो आपको पता है इस थ्योरी के हिसाब से, और अगर आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो एक्सटिंक्शन हमेशा स्मॉल पे ज्यादा होगा रेट, तो एक्सटिंक्शन हमेशा स्मॉल पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बिगर जो लार्ज है आइलैंड, ठीक है। तो सी और डी, तो उस ये सही है, बाकी और भी चॉइसेस देखते हैं। ए कहता है फार, फार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ऑप्शन ए में देखा था, तो ये गलत है। फिर डी कहता है ए नियर बी फार, ये सही है, लेकिन इधर अगर हम देखते हैं ये दो ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए, सी कहता है लार्ज और डी कहता है स्मॉल, ये लार्ज कैसे हो सकता है, लार्ज पे एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा तो नहीं होगा, स्मॉल पे ही ज्यादा होगा, इसीलिए सी कैन नॉट बी लार्ज, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बाय ज्योग्राफी द रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज रिचनेस इज, इनका रिलेशनशिप क्या है, तो इसके लिए आपको इस ग्राफ पर ही जाना पड़ेगा। देखिए इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर हमें इक्विलिब्रियम पता करना है, यू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको टर्नओवर रेट मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये लाइन है किसकी, बी फार, फार एंड स्मॉल, ये फार और स्मॉल है, स्मॉल और फार है ये, फिर ये है आपका स्मॉल और बिग, सॉरी दिस इज स्मॉल एंड फार, दिस इज अगेन आपका ये लार्ज एंड फार, लार्ज एंड फार, लार्ज ये आपका है लार्ज और फार, और फिर तीसरा है आपका नियर एंड स्मॉल, स्मॉल और नियर है, और चौथा है आपका लार्ज एंड नियर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, लार्ज एंड स्पीशीज रिचनेस, तो जब आप स्पीशीज रिचनेस की बात करेंगे तो जो सबसे एक्सट्रीम राइट पर है वो सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच आइलैंड होगा, ठीक है, यानी लार्ज एंड नियर, तो लार्ज एंड नियर कहाँ पर है, लार्ज एंड नियर ये रहा। उसके बाद फिर है स्मॉल एंड नियर, स्मॉल एंड नियर एंड लार्ज एंड फार दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, तो आपको बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे ऑप्शंस में या बहुत सारे ग्राफ्स में क्या होगा, आपको ये देखेंगे ये दो लाइंस एक ही बना दी जाती हैं या बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इंटरमीडिएट होती हैं लार्ज एंड नियर एंड स्मॉल एंड फार के बीच में, तो कई जगह तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा इक्विलिब्रियम दोनों के बीच का और स्मॉल एंड फार
फार में सबसे कम स्पीशीज रिचनेस है. सो दिस मेक्स द आंसर सी एज द करेक्ट आंसर. Then mentioned below are few statements about equilibrium theory of island biogeography. Large islands have higher colonization rates and lower extinction rates than small islands. This is true. ये तो सही है. Large islands पे colonization rate ज़्यादा है. फिर एज स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर आगे जाते हैं, इमिग्रेशन रेट डिक्रीजेज एंड एक्सटिंक्शन रेट इंक्रीजेज. यस दिस इज ट्रू. जैसे जैसे आइलैंड भरता जाएगा स्पीशीज से, स्पीशीज रिच बनता जाएगा, तो इमिग्रेशन रेट, कोलोनाइजेशन रेट डिक्रीज होगा और एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना. तो फिर थर्ड है, इवन दो ओवरऑल स्पीशीज रिचनेस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, यानी जितने जा रहे हैं, अगर चार स्पीशीज जा रहे हैं तो चार आ भी रहे, इक्विलिब्रियम पर आ गए. इंडिविजुअल स्पीशीज आर स्टिल गोइंग एक्सटिंक्ट एंड न्यू स्पीशीज आर अराइविंग. जी बिल्कुल सही. ऐसा नहीं होता कि इक्विलिब्रियम हो गया, अब फुल स्टॉप लग गया, अब कोई नया नहीं आ सकता, कोई और नई बर्ड उड़ के नहीं आ सकती. बिल्कुल आ सकती है, लेकिन जिस रेट से आ रही है उस रेट से अब एक्सटिंक्ट भी होंगे स्पीशीज. तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, कंपोजिशन बदलेगा, नंबर ऑफ स्पीशीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाता है इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन, स्टिल दे अराइव. एंड लास्ट इज, व्हेन स्पीशीज रिचनेस इज एट इक्विलिब्रियम, इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन आर बोथ आर स्टिल ग्रेटर देन जीरो. यस, ऐसा नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि जीरो बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, हो रहा है. आप देखिए, वो आपके जितने पॉइंट्स हैं कोई उनमें से जीरो पर नहीं था, सब जीरो से ऊपर हैं सारे पॉइंट्स. ठीक है, तो अब हमारी ये चारों स्टेटमेंट्स सही हैं. सो विच अमंग द ऑप्शन, आप देखिए, ए बी सी डी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इस तरह आप ध्यान से पढ़िए, जो लंबे क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़िए और आप आंसर्स को कर पाएंगे. डोंट पैनिक बाय सीइंग द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. द लॉन्गर द क्वेश्चन द इजियर इट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज हिडन इन द स्टेटमेंट्स इटसेल्फ. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी लगेगा, लेकिन दे आर वेरी इजी क्वेश्चन. सो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. सो दिस वॉज all about today's quiz, and since it's an important topic, so the next video will be about the same topic, another short quiz of the same topic. Till then, stay safe and healthy, have a nice day, study well. Thank you.